अब जरा बताइए, आपने जो तमिल से आए हुए जितने भी साधु संत हैं उन लोगों से बातचीत की, हालांकि वो लोग स्थानीय भाषा में ही अपनी बातों को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन किस तरह से आज का ये जो कार्यक्रम है वो बेहद भव्य और दिव्य होने वाला है, कैसे पूरी जो वैदिक मंत्रोच्चार की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, पूजा पाठ इसका शुभारंभ कैसे होगा, उसके बारे में अगर जानकारी आप दे पाए। मौसमी जी, बिल्कुल। देखिए चित्रा, ये एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत का प्रतीक और एक संदेश देने की कोशिश है प्रधानमंत्री की। तभी आप देखिए कि तमिलनाडु से जिस तरह से 25 साधु संत आ रहे हैं और जो अधिनम है उसकी बहुत ही ज्यादा मान्यता है, वहां से जो महामंत है वो पहुंच गए हैं और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे थे। कल प्रधानमंत्री उनसे मिले, उनको सम्मानित किया, लेकिन तस्वीर आपको दिखाते हैं। हमारे पीछे आप यहाँ जहाँ देख रही है ये ट्रांसपोर्ट भवन की तस्वीर और कैसे पूरा भारत इस नए संसद में संजोया हुआ है। यहाँ बाहर आप देखिए लाल और सफेद पत्थर, ये राजस्थान के सर मथुरा से आया है। अंदर संगमरमर भी अंबाजी से आया है, वो भी राजस्थान का है। सागौन की लकड़ी नागपुर से है। मिर्जापुर के कापट की झलक मिलेगी, लाख की झलक मिलेगी। और यस्टरडे ऑल आर मेट विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर and honored both of them. So, how was the meeting with the Prime Minister which happened yesterday? So, very iconic, where the symbol was also given. So, how was the meeting? Today's symbol is to be given by the six Adhinams, including our Velakurichi Adhinam. So, I was asking, how was the interaction with the Prime Minister yesterday? How was the interaction? He honored all the Adhinams in Tamil Nadu and praised the services and the sacrifice of the independence during the independence by the Tamil people. तो आप सुन रहे थे किस तरह से दक्षिण भारत से जो तमाम लोग आए हुए हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीती शाम मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री ने भी उन सभी से बातचीत की थी। दक्षिण भारत से जो साधु संत आए हैं उन्होंने सबसे पहले अंगवस्त्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाया, उसके बाद सेंगोल भेंट दिया। कुछ तस्वीरें भी वो दक्षिण भारत से लेकर आए थे, आशीर्वाद स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है ताकि हिन्दुस्तान की तरक्की काफी तेजी से हो सके, इसका पूरा आशीर्वाद मिले। लेकिन आज ये जो ऐश्वर्य है नई संसद का, उसको देखने के लिए हर कोई बेताब है। प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, यकीनन इन तस्वीरों का गवाह बनने के लिए हर एक कोई बेताब हुए जा रहा है। ये अलग बात है कि 21 विपक्षी दलों की ओर से अपनी अपनी बातों को कहते हुए आज बहिष्कार का ऐलान किया गया है, लेकिन यकीनन उनकी भी नजर अब सुबह सुबह टीवी के जरिए बनी रहेगी हर एक खबर पर कि भाई जिस संसद में हमें आगामी सत्र में बैठना है वो संसद नजर कैसे आ। நேர்மையையும் தர்மத்தையும் போதிக்கின்ற இடமாக இந்த பாராளுமன்றம் அமைவதற்கு இருவர் மிகப்பெரிய சாதனையை செய்திருக்கின்றார். அவருடைய சாதனை உலகத்தின் வரலாற்றில் இடம்பெறக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறது. தர்மபுரி ஆதீனம். सो यह यू कैन सी चित्रा, आप देखिए कि यहाँ पे तीन और संत जो है जो अधिनम से आए हैं उनकी अब एंट्री हो रही है और यहाँ पे चेहरे पर उनके भी मुस्कान है, मुस्कुरा के यहाँ पे बता रहे हैं कि एक बड़ा क्षण है। जाहिर तौर पे कल आप मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, यू मेट प्राइम मिनिस्टर पार्क नम्बर वातुकोल இந்த நாடு புண்ணிய பூமி, எல்லா மதத்தவர்களுக்கும் இடம் கொடுத்தது. அதை கொண்டு இவர்களுடைய இந்த நந்தி என்பது தர்ம தேவதையை குறிக்கக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறது. அந்த மன்னவனாய் உலகிலும் அவன் ஆட்சி செலுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இந்த விழா நடைபெறுகிறது. அதற்காக ஆசீர்வாதம் செய்கிறேன். जी मान जी यहाँ पे बताते हुए देखिए चित्रा, हालांकि वो अपनी भाषा में तमिल भाषा में बोल रहे हैं पर उनके चेहरे पर एक मुस्कान है और यहाँ पे इस गेट से तमाम जो संत महंत हैं वो अब भीतर जा रहे हैं और आपने देखा कि कैसे जो चीफ संत थे, जो मुख्य साधु थे, वो पहले गए और अब यहाँ पे तमाम जो सुबह सुबह जो मंत्रों का उच्चारण होना है, एक शुरुआत रिचुअल से होगी, परंपरा से होगी, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की भी झलक दिखाएगी, वो यहाँ पे शुरू होने वाली है कुछ ही क्षणों में। और जाहिर तौर पे अधिनम की भी बहुत मान्यता है ना सिर्फ तमिलनाडु में, और सिंगोल जो प्रतीक है एक शासक का, एक अच्छे शासक का, एक शासक जो इंसाफ करता है,
वो प्रतीक जो है सौंपा जाएगा आज प्रधानमंत्री को, तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा एक क्षण है। और दूसरा कि सिंघोल की स्थापना लोकसभा के स्पीकर के चेयर के बगल में होगी, तो इसका मतलब ये है कि एक बड़ा संदेश देने की कि एक आधुनिक भारत के साथ हजारों सालों की संस्कृति और परंपरा संजोए हुए है ये नई संसद जो पीछे हमारे दिख रही है। और मैं आपको जिक्र कर रही थी कि कैसे ये एक मिनी भारत की तस्वीर है। नागपुर से यहाँ पे सागौन आई है, तो सामने जो आप लाल और सफेद पत्थर देख रहे हैं वो राजस्थान से आया है, भीतर जो है नॉर्थ ईस्ट से बांस आया है, तो यहाँ पे अलग अलग इलाकों से कुछ न कुछ मंगाया गया है ताकि सबकी भागीदारी हो, सबकी हिस्सेदारी हो और सर्वधर्म संभव, ना सिर्फ कोई एक धर्म बल्कि वासुदेव कुटुम्बकम का संदेश देते हुए यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये पहल करेंगे। मैं बता रही थी आपको कि यहाँ पे ये जो बलुआ पत्थर है आप देख रही है वो सर मथुरा से आया है और त्रिपुरा की राजधानी से बांस आया है। पुरानी संसद की भी झलक यहाँ पे संजीव आपको दिखा रहे हैं। और जो अशोक प्रतीक है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आया है, तो यहाँ पे आप देखिए कि अलग अलग राज्यों से किस तरह से संजोया गया है ये बहुत खूबसूरत जो इमारत है। ये इमारत नहीं है, ये हजारों करोड़ों बड़ी जानकारी आप देते हुए उम्मीद है। और हिंदुस्तान चूंकि देश के हर कोने के जो नुमाइंदे हैं, जो सांसद हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ पर, तो इसी वजह से किसी भी राज्य को निराश नहीं करते हुए हर जगह से कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे मिलाकर इस संसद को तैयार किया गया है। नई संसद जो मेरे ठीक पीछे मुस्कुराती हुई आपको दिखाई दे रही है, पीएम करने वाले हैं आज इसका उद्घाटन।